नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू मेक ए ड्रोन, जिसमें दोस्तों मैंने एक मोबाइल के वाइब्रेशन की मदद से ड्रोन बनाकर दिखाया। और दोस्तों वीडियो मेरा काफ़ी चला भी, दोस्तों आप भी देख सकते हैं, आई बटन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो कुछ लोगों ने दोस्तों उसमें कमेंट किया कि ये फेक वीडियो है, ऐसा वैसा कई तरह के कमेंट्स आए। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं, दोस्तों बता सकते हैं उसमें, कमेंट करके ज़रूर बताना उसमें फेक क्या। दोस्तों मेरे हिसाब से फेक वीडियो वो माना जाता है जिसे उसकी रियलिटी से कुछ हट के दिखाया जाता है, कुछ अधिक दिखाया जाता है, बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, उसी को फेक बोलते हैं। लेकिन उसमें दोस्तों उसकी क्या औकात है, कितनी हाइट तक उड़ा, मैंने उतना ही दिखाया, फिर भी लोग उसे फेक बोलते हैं। दोस्तों कोई क्या बोलता है इसे तो मैं नहीं रोक सकता, तो आप देख कर खुद बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि उसमें फेक क्या है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो वाइब्रेटर किस मोबाइल से मिलेगा, तो मैं तीन चार तरह के मोबाइल ले रहा हूँ और उसमें दिखा रहा हूँ आपको कि किसमें किस तरह का वाइब्रेटर निकलता है। और वाइब्रेटर दोस्तों कई तरह के होते हैं, तो आज मैं दिखा दूँगा कि कितने प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं। और जिससे मैंने ड्रोन बनाकर दिखा वो भी दिखाऊँगा किस मोबाइल से निकलता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि उसमें फेक क्या था, क्योंकि दोस्तों वो उसमें जो वीडियो में ड्रोन मेरा जो 3-4 इंच हाइट तक गया और उतने ही मैंने दिखा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाया कि 3-4 इंच को मैंने फिर भी किसी हीटर की मदद से उसे 10 फीट या 20 फीट ऊपर उठा के दिखाया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग उसे फेक बोलते हैं। तो दोस्तों कोई क्या बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो पसंद करते हैं, तो एक बात आप आँख बंद करके विश्वास कर लीजिए, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं फेक वीडियो नहीं होंगे, कोई भी 100% कोई भी वीडियो फेक नहीं होगा। दोस्तों व्यूज पाने के लिए ही सिर्फ वीडियो में नहीं बनाता, दोस्तों मेरे अंदर जो कुछ नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एक एक्सपेरिमेंटल होता है दोस्तों, उसमें एक्सपेरिमेंट में जरूरी थोड़ी ना कि हर काम सक्सेस ही हो जाए। अगर वो सक्सेस नहीं होगा तो मैं उस वीडियो में ये भी दिखाऊँगा कि यह नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो उसे मैं करके दिखा दूँगा। दोस्तों इस तरह का फेक होता है, दोस्तों मुझे फेक से कोई मतलब नहीं है, मैं जितना भी दिखाऊंगा सब हकीकत दिखाऊंगा। तो और लोगों का कमेंट था कि कहां से वो मोटर मिलेगा, तो चलिए आज मैं दिखा देता हूं कि कहां से वो मोटर मिलते हैं, किस मोबाइल में किस तरह का मोटर होता है, सॉरी दोस्तों किस तरह का वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेशन होता है, लेकिन वो होता है दोस्तों वास्तव में मोटर ही। चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास 4 तरह के मोबाइल फ़ोन हैं। तो दोस्तों जिसमें से 2 फ़ोन एक ही कंपनी के हैं, बस उसके मॉडल नंबर अलग हैं, और एक चाइना का है, एक हमारे पास नोकिया का है। तो किसमें किस तरह का वाइब्रेशन निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें से सभी मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन सभी में होना चाहिए, तो मैं सब में दिखाता हूँ कि किसमें किस तरह का वाइब्रेटर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोकिया के फ़ोन से, इसको खोल के दिखाते हैं इसमें किस तरह का वाइब्रेटर होता है। दोस्तों नोकिया का फ़ोन आपने यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि नोकिया का फ़ोन जो है वो भी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है उसमें भी। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह का वाइब्रेटर होता है। तो मैं इसे ओपनर की मदद से ओपन कर ले रहा हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ, इसके देखिए हमारा ये पूरा ओपन हो चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये जो है स्पीकर है इसका, ये इसका एयरफोन जैक है, और ये चार्जिंग पिन, और दोस्तों इसमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और इसके जो सर्किट्स में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है माइक है इसका, और इसमें कुछ नहीं वाइब्रेटर का, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी मोबाइल वाइब्रेट होता है आपको पता है। तो मैं बताता हूँ इसमें वाइब्रेटर किस प्रकार होता है। इसके पहले मैं एक सैमसंग का जो सैमसंग 1200 ये जो है 1200 Y, तो इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ इसमें वाइब्रेटर किस प्रकार का होता है। और दोस्तों मैंने जो ड्रोन बनाया था इसी के मोबाइल के फ़ोन के वाइब्रेटर से बनाया था, तो आप देखिए इसमें किस तरह का होता है। ये 1200 Y है सैमसंग का, सैमसंग गुरु 1200 Y जो है। तो इसको हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये देख सकते हैं, ये इसका स्पीकर है और ये इसका वाइब्रेटर है, वाइब्रेशन यही मोटर है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जो वाइब्रेटर होता है वो एक प्रकार का मोटर ही होता है। और इसमें देख लीजिए, इसमें कहीं जो नोकिया के फ़ोन में कहीं वाइब्रेटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एयरफोन जैक है, चार्जिंग पिन है, स्पीकर है, इसमें स्पीकर है, वाइब्रेटर है, फिर भी दोनों फ़ोन वाइब्रेट करते हैं। एक में तो वाइब्रेटर लगा तो करेगा ही, लेकिन दूसरा फ़ोन जो नोकिया का वो भी वाइब्रेट करता है कैसे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो स्पीकर होता है स्पीकर में ही इसका वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है,
तो आप तो भूल ही जाइए कि नोकिया के फ़ोन से आप ड्रोन बना सकते हैं। नोकिया के फ़ोन से ड्रोन नहीं बनेगा क्योंकि इसका वाइब्रेटर इसकी स्पीकर में ही होता है, तो इसे आप हटा दीजिए। फिर मैं इसको नोकिया को हटा देता हूँ, इससे आप ड्रोन नहीं बना सकते क्योंकि इसका वाइब्रेटर इसकी स्पीकर के अंदर ही होता है। अभी हमारा सैमसंग इसके अंदर जो है वाइब्रेटर लगा होता है। देखिए इसका वाइब्रेटर है, इसमें दिखा रहा हूँ ओपन करके, देखिए ये एक प्रकार का मोटर ही होता है। अब इसके बाद मैं इस चाइना फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ इसमें किस प्रकार का वाइब्रेटर होता है। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं एंड्रॉयड फ़ोन भी वाइब्रेट करता है, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन है, चाइना का है, आईटेल में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईटेल 409 का ये मॉडल है। तो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें वाइब्रेटर आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये माइक था, ये जो हमारा है यहाँ ब्लैक दिख रहा है दोस्तों, ये इसका वाइब्रेटर है। देखिए दोस्तों ये भले ही पूरी तरह से पैक है लेकिन ये भी एक मोटर ही है। इसको मैं अभी चला के भी दिखाता हूँ ये किस तरह से वाइब्रेट करता है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ, बाद में इसे चेक करके दिखाऊँगा किस तरह से वाइब्रेट करता है। अब इसके बाद हमारे पास ये बचता है सैमसंग का है, सैमसंग ड्यूअल सिम का है। तो दोस्तों इसमें भी क्या वाइब्रेटर होगा, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ड्यूअल सिम का है, देख लीजिए। ये सैमसंग सिंगल सिम का है जो 1200i का, ये ड्यूज है ड्यूअल सिम का। दोस्तों सैमसंग के जितने भी कीपैड फ़ोन हैं उसके वाइब्रेटर सबके लगभग लगभग सेम ही होते हैं, एक ही तरह का वाइब्रेटर होता है सभी सैमसंग के फ़ोन में, अगर वो कीपैड मोबाइल फ़ोन है तो। इन दोनों फ़ोन में देख सकते हैं, सिंगल सिम वाले में और ड्यूअल सिम वाले में, दोनों में वाइब्रेटर लगा है। तो सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं कीपैड वाले, सब में इस तरह का वाइब्रेटर लगा होता है। तो आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास कोई, तो उसमें जो वाइब्रेटर होगा दोस्तों इस प्रकार का वाइब्रेटर होगा। दोस्तों ये भी मोटर होता है, मैं इसे ओपन करके किसी और वीडियो में इसे पूरी तरह से खोल के दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार जो है वाइब्रेशन करता है। तो दोस्तों इसे मोटर के रूप में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ये भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेनली दो ही प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं, एक तो इस प्रकार का होता है जो आपके पास दिखाई दे रहा है चिपटा वाला, एक इस मोटर की तरह से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चलता है, सिर्फ वाइब्रेट करने लगता है, देखिए मोटर की तरह से पूरी तरह से ये नच रहा है। लेकिन इसमें जो लोहे का जो इसमें टुकड़ा लगा हुआ है, इसमें एक ही तरफ लगा होने के कारण ये वाइब्रेट करने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ग्लास पे कितनी तेज आवाज आ रही है इसकी वाइब्रेट। तो दोस्तों आपने देखा ग्लास पे कितनी तेज आवाज आ रही है इसके वाइब्रेशन की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।